स्टूडेंट्स वेलकम टू विनिंग क्वेस्ट ऑनलाइन क्लासेस आज हम लोग करने वाले हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स तो आज हम लोग हाफ चैप्टर जो है पिछली क्लासेस में हम लोग कर चुके बाकी जो हाफ बचा हुआ है यहां पे हम डिस्कस करने वाले तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सील एंड सीलिंग की ये सील का इस्तेमाल किया आपको पता है कि लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए डिस्टेंस बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए सील का यूज़ किया जाता था यानी कि एक जगह से काफ़ी दूर जगह पे कोई भी सामान पहुंचाना, कोई मैसेज पहुँचाना हो तो बेसिकली सील का यूज़ किया जाता था अब यहाँ पे ध्यान रखना कि बताया क्या है कि जो तो सील सीलिंग यूज टू तो द फेसिलिट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि एक किसी पर्सन को कोई भी बैग लेके बहुत दूर डिस्टेंस में उसे ट्रैवल करना है वहाँ तक उसको पहुँचाना है कोई मैसेज देना है तो करते क्या थे कि जो भी उनका बैग होता था उसको रस्सी से पहले वो अच्छे से बांध देते थे उसके बाद जो भी गीली मिट्टी होती थी उसको फिर डाल के उसको जो सील होता था उसके द्वारा इम्प्रेस्ट किया जाता था दबा दिया जाता था और उसके बाद एक पर्टिकुलर कोई निशान बन जाता था और इससे ये भी समझ में आता था कि मान लो एक पर्सन जो रास्ते में काफ़ी टाइम के बाद दूसरे पर्सन को सामान देने जा रहा है तो बीच में उसने तो सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की किस तरह कोई नुकसान या खोलने की कोशिश नहीं की क्योंकि अगर उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या कोई मतलब उस उसमें कोई निशान जो है ऐसा लग रहा है कि खोलने की कोशिश की गई है तो जहाँ पर वो पहुँचेगा सामान उसको पता चल जाएगा कि बीच रास्ते में उसे किसी ने खोलने की उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी साथ ही साथ सील के द्वारा क्या होता है कि जो भी आइडेंटिटी जो भी सेंडर है जो भी सामान को भेज रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उस सेंडर की जो आइडेंटिटी है वो भी वहाँ तक पहुँच जाती थी तो सामान की सेफ्टी भी हो गई ठीक है साथ ही साथ जो सेंडर है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई तो इन सब चीजों के लिए सील का इस्तेमाल किया जाता था तो लेकिन सील ऑल्सो कन्वे द आइडेंटिटी टू द सेंडर कि जो भी सामान भेजने वाला है सेंडर है उस सील के द्वारा उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी आइडेंटिटी को आराम से समझा जा सकता था तो इसीलिए ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे सेफ्टी भी थी सिक्योरिटी भी थी और साथ साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्क्रिप्ट की तो जो हड़प्पा है सील है बेसिकली उसमें क्या होता है जो लिखने के लिए जो लाइन्स होती थी यानी कि कोई अल्फाबेटिकल यूज नहीं होते केवल लाइन्स वहाँ पे देखी गई तो ऐसा माना जाता है कि वो जो लाइन्स है कहीं ना कहीं वो बेसिकली जो भी वो टाइटल है उसका नाम है वो वहाँ पे सील के ऊपर दिखाया जा रहा है कह रहा है कि पिक्चर बेसिकली बहुत सारे ऐसे भी सील पे देखा गया है कि वहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम पिक्चर्स बने हुए हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते थे पढ़ नहीं सकते थे जो इलिटरेट लोग थे तो वो लोग इस एनिमल के सिंबल के द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे यानी कि सोचो जो पढ़े लिखे थे उनके लिए भी मतलब कितना मतलब सही बता कि स्क्रिप्ट था और जो लोग नहीं पढ़ सकते थे सिंबल के द्वारा उनको समझाने की कोशिश की गई थी और उनके जो पिक्चर होते थे बेसिकली एनिमल के होते थे तो कह रहा हैं मोस्ट ऑफ़ द इंस्क्रिप्शन जो है समझ आया कि ज़्यादातर तो जो इंस्क्रिप्शन थे काफ़ी छोटे थे सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन में केवल ट्वेंटी सिक्स साइन देखने को मिले लेकिन अभी तक उस इंस्क्रिप्शन को रीड नहीं किया गया समझना नहीं गया कि आखिर वो क्या लैंग्वेज थी किस क्या चीज़ थी चाहे उसको समझ सके पढ़ सके और उनका हम अंदा जो भी कहना चाहते थे जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको हम समझ सके तो अभी तक जो आर्कोलॉजिस्ट है वो सक्सेसफुली इस चीज़ को अभी तक रीड नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनका मानना है कि कोई अल्फाबेटिकली तो थे नहीं क्योंकि उसमें इतने सारे नंबर ऑफ जो साइन थे वो बहुत ज़्यादा थे करीब तीन सौ से लेकर चार के बीच में इतने ज़्यादा साइन थे तो ये तो कन्फर्म था कि कोई अल्फाबेटिकली नहीं है लेकिन अभी तक ठीक से उसको ना समझ पाए ना उसको रीड कर पाए हैं देखिए तो कह रहे स्क्रिप्ट वो रिटर्न है, और ये देखा जाता है कि जो स्क्रिप्ट है बेसिकली कि राइट से लेफ्ट में लिखे गए हैं ये अभी एक अंदाज़ा लगाया गया है क्यों क्योंकि राइट साइड पे क्या है कि ज़्यादा गैप छोड़ी गई है तो ऐसा लगता है आर्कोलॉजिस्ट को जैसे जैसे वो राइट से लेफ्ट साइड पे गए होंगे तो जगह कम पड़ गए होंगे स्पेस कम कर देंगे और इसीलिए उन्होंने काफ़ी करीब करीब से जो चीज़ें मतलब वर्ड्स हैं उनको उन्होंने लिखा है यानी कि राइट से लेफ्ट जब उन्होंने देखा तो उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया होगा तो काफ़ी स्पेस छो रहा उनको नहीं पता था कि आगे लिखते लिखते उनके पास स्पेस कम पड़ जाएगी और इसीलिए जब वो लेफ्ट साइड में गए तो वहाँ पे जो शब्द है काफ़ी पास पास देखने को मिला है जगह के अभाव के कारण तो इसीलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो चीज़ें हैं जो स्क्रिप्ट है, बेसिकली राइट से लेफ्ट लिखा गया है उसके बाद हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट मिले जहाँ पे चीज़ें क्या थी लिखी हुई थी जैसे कि सील्स हो गए कॉपर टूल्स हो गए रिम्स ऑफ जार्स हो गए और टैराकोटा टैबलेट हो गए ज्वेलरी हो गए इवन वहाँ पे कुछ साइन बोर्ड्स भी मिले हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ के जो लोग थे कितने ज़्यादा पढ़े लिखे थे काफ़ी जो एजुकेशन थी काफ़ी वाइड स्प्रेड थी लोग पढ़ सकते थे समझ सकते थे और कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी ये तो सारे मिल के कि जहाँ पर उन्हें रिटर्न मिले थे लेकिन हो सकता है कि जो पेरिशेबल गुड्स होंगे उस पर भी वो लिखते होंगे लेकिन वो पेरिशेबल होने के कारण वो नष्ट हो गए होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिल पाई है तो अभी हमने देखा कि सील और सीलिंग किस तरह डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ट्रेड के लिए साथ ही साथ वहाँ पे सेफ्टी के लिए अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लोग यूज़ करते थे जो स्क्रिप्ट है हमने देखा स्क्रिप्ट ज़्यादातर छोटे थे सबसे बड़े जो ट्वेंटी सिक्स थे उसके बाद अभी तक तो उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया आ, राइट टू लेफ़्ट लिखा गया तो ये सब हमारी बात होगी सील्स की इन स्क्रिप्ट की अब हम बात करते हैं वेट की यानी कि जो एक्सचेंजेस के लिए जो कोई ना कोई एक वेट का यूज़ तो करते होंगे तो वो भी उनकी बहुत स्टैंडर्डाइज थी सभी जगह पे क्या होते थे एक जैसा वेट सिस्टम था यानी कि उस जमाने में भी उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम का कितना ज़्यादा उन्हें यूज़ किया था तो जो एक्सचेंजेस थे बेसिकली रेगुलेटेड बाय द प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट वेट के द्वारा वो क्या करते थे एक्सचेंजेस करते थे अब जो लोअर डायनोमिनेशन होते थे यानी कि छोटे वजन के लिए वो लोग क्या करते थे बाइनरी सिस्टम यूज़ करते थे फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है कि एक दो चार आठ सोलह ऐसे करते करते टोटल कितने थे बारह हजार आठ सौ ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड इस तरह से लोअर डेनोमिनेशन के लिए वो लोग लो बाइनरी सिस्टम यूज करते थे और जो हायर डेनोमिनेशन के लिए वो लोग डेसिमल सिस्टम को यूज़ करते थे यानी कि उस टाइम में भी ये लोग बाइनरी और डेसिमल्स के बारे में पता था साथ ही साथ जो स्मॉल वेट यूज करते थे उस टाइम पे ज्वेलरी और बीट्स को मेजर करने के लिए और वहाँ पे जो मेटल स्केल पैन भी मिला है जो रहे हम हिंदी में तराजू बोलते हैं लेकिन उस टाइम पे भी आप सोचिए कि जो तराजू है उसका इस्तेमाल वेट के लिए किया जाता था छोटे डेनमेशन अलग थे लार्ज अलग थे बाइनरी सिस्टम डेसिमल सिस्टम इन सब को और पूरे जगह पे जो वेट मेजर का जो सिस्टम था वो स्टैंडर्डाइज था ऐसा नहीं तो लोकल नहीं था कि अलग अलग एरिया में अलग अलग था हर जगह पे क्या थी एक जैसी थी सिमिलैरिटी थी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती है कि वो लोग कितने ज़्यादा मतलब एजुकेटेड थे समझदार थे और हर जगह उन्होंने इन चीज़ों को फॉलो किया था अगर हम बात करें कि एंशियंट अथॉरिटी देखिए इतनी सारी यूनिकनेस जो है जैसे कि सेम स्क्रिप्ट थी सेम वेटिंग सिस्टम थी सेम सील थे उसके बाद जो ब्रिक्स थे उनकी जो मेजरमेंट थी रेशियो थे ऊंचाई लंबाई चौराई सब एक जैसे और सभी एरियाज में तो ये चीज़ जो है लोगों को बहुत आश्चर्य लगा कि आखिर ये सब चीज़ इतनी जो सिमिलैरिटीज है इतनी यूनिफॉर्मिलिटी है तो इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता था कौन उनको गाइड करता था वहाँ पे अथॉरिटी कैसे थी कैसे पावर थे क्या कोई राजा होता था या कोई जो धर्म गुरु है वो कंट्रोल करते थे तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कैसे वहाँ पर मैनेजमेंट था एडमिनिस्ट्रेशन था किसके पास अथॉरिटी थी पावर थी सबको कंट्रोल करने के लिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आपने देखा कि एक्स्ट्राऑर्डनरी यूनिफॉर्मिटी यानी कि सील्स के अंदर वेट हो गया बीट्स हो गया सभी में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी थी उसके बाद बहुत जगह पे देखे गए जो स्पेसिफिक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए वहाँ पे सेटलमेंट्स बसाए गए थे अलग अलग कारणों के कारण उसके बाद आपने देखा कि जो लेबर थे वो मोबिलाइज करते थे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ब्रिक्स बनाने के लिए वॉल्स बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तो ये सब चीज़ें जो है आर्कोलॉजिस्ट को काफ़ी हैरान करने वाली लगी चाहे आप जम्मू से ले गुजरात तक देख लो सभी जगह पे क्या थे जो कंस्ट्रक्शन का जो मेथड था वो सेम था ब्रिक्स की जो रेशियो थी वो सेम थी सील सील्ट सेम थे स्क्रिप्चर सेम थे तो आखिर वहाँ पे कैसा सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कैसा रूलर था ये सब जो है उनके लिए बहुत ही नई चीज़ थी वो जानना चाहते थे पता लगाना चाहते थे कि वहाँ पर कैसा सिस्टम था क्या वो डेमोक्रेसी थी तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि बहुत सारे लोगों ने कहा कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पे हो सकता है कि एक रूलर होगा सभी को कंट्रोल करता होगा सारे जो डिसीजंस है उसके द्वारा लिया जाएगा कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने कहा कि वहाँ पे कोई रूलर ही नहीं था सभी लोग इक्वल थे सभी एक साथ थे अपने हिसाब से काम करते थे कुछ लोगों ने कहा कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर होंगे जैसे हरप्पा के रूलर अलग होंगे मोहन जोधर के रूलर अलग होंगे बट इन सब में जो है एक ही चीज़ हमें लॉजिकल लगी आर्कोलॉजिस्ट को कि ऐसा नहीं होगा अगर अलग, अलग अलग रूलर होते तो इतनी यूनिफॉर्मिलिटी इतनी सिमिलैरिटी चीज़ों में नहीं होती उनके कंस्ट्रक्शन की बात करें चाहे ब्रिक्स के रेशियो की बात करें चाहे सील की बात करें अगर डिफरेंट डिफरेंट रूलर होते तो कुछ ना कुछ उनमें डिफ्रेंसिस भी देखने को मिलते तो इन्होंने इस चीज़ को तो नकार दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई रूलर नहीं है उसको भी ठीक से वो समझ नहीं पाए क्योंकि अगर कोई रूलर नहीं होगा तो एक जैसे सिमिलैरिटी कैसे होगी कैसे काम को ऑर्गेनाइज किया जाता होगा कैसे सभी को कंट्रोल uh, किया जाता होगा तो वो तो सभी को यही ठीक लगा कि हो सकता है कि उस टाइम पे कोई एक रूलर होगा और वही सारे इन्फॉर्मेशन सारे डिसीजन आपको गाइड करता होगा और पूरा जो पूरा जो रूल है पूरा जो भी एरिया है वो उन्हीं के कंट्रोल में होगा उसके बाद हम बात करें तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली मोहन जोदारों में जिसको क्या आइडेंटिफाई किया गया पैलेस यानी कि ये क्या होगा महल होगा तो अब लोगों को लगा ये महल होगा तो वहाँ पे राजा रहते होंगे तो राजा को यूज़ करने के लिए जो भी बहुत सारे जो सामान होंगे वो सब इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ रिमेन्स मिलेंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जिससे पता लगाया जाए कि सच में यहाँ पे राजा का कोई सिस्टम था या राजा लोग थे क्योंकि राजा से रिलेटेड कोई और दूसरी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली उसके बाद एक स्टोन स्टैचू मिला जिसको प्रिस्ट किंग कहा गया हिंदी में जिसे पुरोहित राजा कहते हैं ये जो आर्कोलॉजिस्ट है जो बेसिकली मेसोपोटामियन सभ्यता थी सिविलाइजेशन थे वो लोग उनके बारे में जानते थे वहाँ पे भी एक ऐसा स्टैचू मिला था जिसको प्रिस्ट किंग के नाम से जाना जाता तो वही सिमिलैरिटी उन्होंने यहाँ पर भी ढूंढने की कोशिश की पता लगाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो जो हरप्पन का जो रिचुअल प्रैक्टिस है वहाँ पे हराप्पन सिविलाइजेशन में रिचुअल प्रैक्टिस कैसे थी कैसे लोग धर्म से जुड़े हुए थे उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली और ना ही कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसके द्वारा वो लोग पता लगा सकें कि क्या वहाँ पर जो रिचुअल गुरु होंगे या रिचुअल्स कम्युनिटी होगी क्या वो लोग पॉलिटिकल रोल भी प्ले करते थे क्या वही गाइड करते थे क्योंकि महल तो मिला एक लेकिन वहाँ पे कोई राजा हो या राजा जैसे रिलेटेड चीज़ है वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि आखिर इतने मतलब मैनेजमेंट जो था वो कौन करता था कोई ना कोई तो इन सबको मैनेज करता होगा एडमिनिस्ट्रेट करता होगा तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खोज की ठीक है तो मैंने वो बता दिया कि अलग अलग रूलर का, अलग अलग लोगों का अलग अलग था कुछ लोगों ने कहा कि नो रूलर वहाँ पे कोई रूलर ही नहीं था सभी इक्वल थे कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं एक नहीं हो सकते पे बहुत अलग अलग रूलर होंगे मोहन जोधरों में अलग रूलर होंगे हरप्पा में अलग रूलर होंगे बट कुछ आर्कलॉजिस्ट ने उन दोनों की दलील को गलत बताया उन्होंने कहा कि कोई ना कोई एक रूलर होगा जो सभी को कंट्रोल करता होगा क्योंकि जो चीज़ें देखने से मिली है इतनी सिमिलैरिटी तभी हो सकती है जब कोई एक रूल करने वाला राजा हो सकता है अब है कि एंड ऑफ द सिविलाइजेशन आप सभी जानते हैं कि अट्ठारह सौ जो के टाइम तक आते आते जो मोस्ट ऑफ द जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वो क्या हो गए थे ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे नष्ट हो गए थे जैसे कि चोलिस्तान मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है उसके बाद जो न्यू सेटलमेंट थी वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे जैसे गुजरात में देखा गया हरियाणा में देखे गए वेस्ट यूपी के अंदर देखा गया और वहाँ पे धीरे धीरे जो पॉपुलेशन थे वो एक्सपेंड हो रहे थे ग्रो हो रहे थे यानी कि आपको याद रखना है कि जो 1800 हंड्रेड बी के तहत आते आते जो मेच्योर हड़प्पन साइट थे वो ऑलमोस्ट खत्म होते गए और न्यू हड़प्पन जो थे वो एमर्ज होते गए अलग अलग एरियाज़ में तो कहाँ कहाँ पे आपको याद रखना है कि गुजरात में हुआ हरियाणा में हुआ और आपको याद रखना है कि वेस्ट यूपी के अंदर उसके बाद है कि फ्यू हड़प्पन साइट यानी कि कुछ हरप्पन साइट जो थे 1900 हंड्रेड के बाद भी अस्तित्व में रहे उसमें से आपको कुछ साइट्स के पता होना चाहिए और वहाँ पे देखा गया कि जो हरप्पन सिस्टम के जो मेजरमेंट थी मैंने बताया था कि जो वेट थे सील थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्राव ट्रेड था ठीक है ये सब चीज़ धीरे धीरे क्या हो गया था वहाँ से डिसअपियर हो गए थे खत्म हो गए थे यानी जब सिविलाइजेशन खत्म गई तो वहाँ की जो भी चीजें होंगी सामान होंगे उनके जो तरीके होंगे उनकी जो भी स्टैंडर्ड मेज़रमेंट थे सभी चीज़ें वहाँ से क्या हो गए थे ख़त्म हो गए थे और अब जो ये न्यू सेटलमेंट देखा जा रहा था वो क्या था रूलर वे ऑफ लाइफ यानी कि वो लोग इतने एडवांस नहीं दिख रहे थे जितने कि पहले के टाइम में हमने देखा था कि वहाँ पे किस तरह से ब्रिक के साइज़ एक जैसे थे वहाँ पे कल्चर सब एक जैसे थे वहाँ पर लोग मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ट्रेड करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारियाँ की थी तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिली और इसी को क्या कहा गया लेट हड़प्पन कहा गया तो अब है कि आखिर ऐसे चेंजेस आए क्यों होंगे क्यों वहाँ पे पहले एक अच्छे खासी मतलब लोग जहरते होंगे वहाँ पे लिटरेसी देखी वहाँ पे सभी कुछ डेवलपमेंट देखा तो अब धीरे धीरे क्यों रूलर वे ऑफ लाइफ लोग जीने लगे तो आखिर वो सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गया? कुछ तो चेंजेस हुआ होगा आखिर क्या होगा क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ कि पूरी की पूरी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई डिस्ट्रॉय होगी कोई एक दो सेटलमेंट नहीं पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही क्या हो गई समाप्त हो गई तो उसमें भी अभी तक जो सच क्या है वो किसी को पता नहीं चल पाया अपने हिसाब से अलग अलग लोगों ने अलग अलग दलील दी है कुछ लोगों ने कहा कि वहां पे क्लाइमेट चेंज आया होगा और जिसके कारण वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या हो गया खत्म हो गया होगा कुछ लोगों ने कहा कि डिफोरेस्टेशन के कारण की बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई होगी और इसके कारण क्या हो गया पूरी की पूरी सभ्यता खत्म होगी कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही एक्सेसिव फ्लड आया होगा फ्लड के कारण सभी लोग खत्म हो गए होंगे कुछ लोगों ने कहा भैया नदियां सूख गई होंगी उनको पानी नहीं मिला होगा एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे भूखे मर गए होंगे तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया उन्होंने एक्सेसिव यूज ऑफ लैंड के कारण इनवेड के कारण किसी ने उन पर अटैक कर दिया होगा पूरी पूरी सब तो ये सब जितने भी उन्होंने दलील दिए इससे ये तो हो सकता है कुछ सेटलमेंट खत्म हो जाए लेकिन पूरी की पूरी जो हरप्पा सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाए इसका लॉजिक अभी तक किसी को समझ में नहीं आया और आज तक कोई भी इसकी इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा पाए कि आखिर वो एक्चुअल कौन से रीजन थे जिसके कारण कि पूरी की पूरी सभ्यता जो इतनी ज्यादा एडवांस थी इतनी मॉडर्न थी इतना कुछ उन्होंने एग्रीकल्चर भी सीखा था आपने पीछे पढ़ा था एनिमल को भी समझते थे सीलिंग कल्चर स्क्रप्चर जो वेटिंग मेजरमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन सब कुछ वो लोग इतने एडवांस थे लेकिन ये जो सिविलाइजेशन है आखिर इसका पतन क्यों हुआ क्यों खत्म हो गया क्या रीजन थे एक्चुअल रीजन अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आया उसके बाद हम बात करें कि डिस्कवरी ऑफ हरप्पन साइट कि ठीक है हरप्पन सभ्यता आई फिर खत्म भी हो गई तो अब उसको क्यों खोजा जा रहा है किसने खोजा कैसे कि पता चला कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन भी थी कहीं कहाँ से इनको मैसेज मिला तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन साइट के बारे में सबसे पहले जो ए एस आई थे यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो कनिंगम थे वो आपको पता है कि उन्हें हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था वो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते थे और ज़्यादातर जो आर्कोलॉजिस्ट है बेसिकली वो क्या करते थे जो रिटर्न वर्ड होते थे जो स्क्रिप्ट होते थे वो उसको मतलब यूज़ करते थे ताकि इन्वेस्टिगेशन के जरूरत उसको पढ़ सके समझ सके अगर आपने किसी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया है समझ लिया है तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी पीछे आपने देखा था कि कुछ ऐसे मतलब उनको मतलब पिक्चर मिले थे जहाँ पे एक फीमेल थी बहुत ही सुंदर उन्होंने ज्वेलरी पहने थे कपड़े पहने के थे तो उन्होंने पता लगाया था भैया ये लोकल मदर गॉडनेस होंगी तो बेसिकली अब वो कल्चर तो ख़त्म हो चुका है वहाँ पे कोई लोग नहीं है बताने के लिए तो अब जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो भी उनको दिखता है उसी हिसाब से वो लोग अंदाजा लगाते होंगे कि वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती थी जैसे उनसे उनके पहनावे कैसे पहनते होंगे उनसे वो पता लगा देंगे क्या ज्वेलरी पहनते होंगे तो इन सब चीज़ों को बेसिकली क्या करते थे पता लगाते थे यूज़ करते थे एज़ ए बेस के रूप में कि वहाँ पे कैसे कल्चर होंगे कैसे लोग रहते होंगे तो जो कनिंगम थे बेसिकली अर्ली हिस्ट्री के बारे में उनको इंटरेस्ट था वो उसी में खोज करते थे और उन्होंने ज़्यादातर जो वो एरियाज थे जहाँ पे बौद्धिज़्म और चाइनिज़म जो है वो ट्रैवल के लिए जाते थे तीर्थ यात्रा करते थे और जो हड़प्पा है वो उस टाइम पे इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था वहाँ पे कोई भी जो चाइनीज़ और जो बुद्धिज़म है वहाँ पे ट्रैवल करने नहीं आए थे इसीलिए जो कनिंगम है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए हालांकि जब खुदाई हुई तो जो एक अंग्रेज़ ऑफिसर है उनको ये उन्होंने एक सील भी दिया था उन्होंने काफ़ी कोशिश की समझने की बट वो समझने में सक्सेस नहीं हो पाए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन को और बहुत लोगों की तरह उन्हें भी यही लगता था कि भारत जो है बेसिकली गंगा जो घाटी या गंगा जो वैसे है कि वहीं पे फर्स्ट सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी और इसीलिए उन्होंने हड़प्पा के बारे में कोई ज़्यादा इफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए वो मैंने नहीं कह सकता कि हड़प्पन के जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने में चूक गए पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए ठीक है तो अब हरप्पन सिविलाइजेशन को कौन लेकर सामने आया किसने बताया कि हरप्पा की कोई, कोई सिविलाइजेशन थी तो अब हम बात करते हैं कि अर्ली डिकेट ऑफ ट्वेंटी 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी थे उन्होंने जब डिस्कवर किया खोज किया तो उन्हें हरप्पन साइट पर कुछ सील्स देखने को मिले और आपको याद होगा कि ये नाम रखना कि राखल दास बनर्जी उन्होंने भी सेम सिमिलैरिटी ही सील एक जैसी सील उन्होंने मोहन जोधरों में भी देखी थी हमने पढ़ा था कि ये सारे जो सिविलाइजेशन थे वो एक ही टाइम पे थे तो सेम सील उनको मिला तो इन दोनों को बेस बना के नाइनटीन में जो जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल ऑफ़ ए उन्होंने अनाउंस किया इन दोनों को बेस मानते हुए कि वास्तव में वहाँ पे कोई न्यू सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड के सामने उन्होंने रखा कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी यानी कि पहले भी यहाँ पे कल्चर था लोग रहते थे उनका सभी उन्होंने फिर उन्होंने डिस्कवरी की खोज की बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने लोगों के सामने ये चीज़ को रखा है कि यहाँ पे सभ्यता थी बहुत पुरानी सभ्यता थी यहाँ पे लोग रहते थे कैसा कल्चर था क्या था तो बेसिकली जो देश के सामने जो हरप्पन सिविलाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है जो खोज है उनका जो क्रेडिट है वो जॉन मार्शल को जाता है ये एक पहले भारत में ऐसे आर्कोलॉजिस्ट है कि जिन्होंने जो कि प्रोफेशनल प्रोफेशनली ट्रेंड थे उन्होंने ग्रीक्स में क्रीट में उन्होंने काम किया था उनका उन्होंने एक्सपीरियंस था तो इसी कारण से वो यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके और उनके जो पीरियड ऑफ टाइम को हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से रेवोल्यूशन था क्रांति थी चेंजेस थी कि भारत में उन्होंने बहुत कुछ खोजा था बहुत कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन लगाई थी तो ये सब बेसिकली हरप्पन सिविलाइजेशन की बात हुई लेकिन आपको पता होगा कि नाइनटीन में जो भारत है वो डिवाइड हो गया था दो भागों में बट गए थे पाकिस्तान और इंडिया तो बहुत सारे जो मेच्योर हरप्पन साइट्स थे बड़ी बड़ी जो सेटलमेंट्स थी ठीक है जैसे इंडस वैली के हमने आसपास देखा तो वो सब ज़्यादातर क्या हो चुके पाकिस्तान में जा चुके थे इसीलिए हमारे जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट है वो पता लगाना चाहते थे कि भारत में कौन कौन से ऐसे साइट है जो हरप्पन के टाइम पे थे तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में कालीबंगन राखी और अभी गुजरात में हाल ही में जो धौलावीरा है उनकी खोज की गई है अब आपको पता है कि ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है केवल भारत के ही आर्कोलॉजिस्ट के लिए नहीं बल्कि जो विश्व के आर्कोलॉजिस्ट है उनका भी धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो भी जानना चाहते हैं कि कैसे सिविलाइजेशन था कैसे लोग रहते उनके बारे में बहुत कुछ वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं इकट्ठा करना चाहते हैं और इसीलिए भारत और जो फॉरेन के जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो जॉइंटली वेंचर की तरह ही एक साथ मिलकर काम कर रहे न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा इन्फॉमेशन को गैदर कर सके कलेक्ट कर सके बहुत सारे जो स्क्रिप्ट है जिनको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि जब पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा कि किस तरह से कम्युनिकेट करते थे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे बहुत सारे जो चीज़ें लिखी मिल, मिली है लेकिन उसको पढ़ नहीं सके तो उसको पढ़ा जा सकता है तो अभी भी नए नए जगह पे भी काम हो रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हड़प्पा के बारे में मिले और हम लोग उनको और ज़्यादा समझ सकें तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इसमें कुछ खास नहीं था इसमें जो बेसिकली हमने सील स्क्रिप्ट वेट और कैसे उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे कैसे रूलर था ठीक है उसके बाद हमने देखा कि हरप्पा सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हो गया सही इन्फॉर्मेशन तो आज तक किसी को नहीं मिली फिर किसने हरप्पा सिविलाइजेशन को खोजा खोजने की तो बहुत लोगों ने कोशिश की पर सक्सेस किसको मिला तो ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगर आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आप लोग विनिंग कर आप लोग डाउन नहीं किया है तो अभी आप लोग डाउनलोड कीजिए वहाँ पर आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सभी के आपको चैप्टर वाइज नोट मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे ताकि आप लोग आसानी से उसको पढ़ सके समझ सकें आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक यू